जेएसएससी जेई के छात्र हैं। हम लोग का एग्ज़ाम 20 अक्टूबर को ख़त्म हुआ, 20 अक्टूबर को, और हम लोग का जो रिस्पॉन्स शीट था वो लगभग 37 दिनों बाद रिलीज किया गया, और अभी तिरपन दिन पार हो गया, लेकिन अभी तक रिवाइज आंसर की जारी नहीं किया गया है। हम लोग जेएसएससी के इस रवैये से झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो जेई हो या फिर CGL हो, PGT हो, लैब असिस्टेंट हो, तो लैब असिस्टेंट का ये लोग एग्ज़ाम विद इन 45 डेज लगभग कंप्लीट कर दिए, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों है, ये मैं मीडिया के माध्यम से जेएसएससी से पूछना चाहता हूँ। क्या मांगे क्या है आपकी जेएसएससी से? मांगे ये हैं, हम लोग जेएसएससी चेयरमैन के पास भी जा रहे हैं, लगभग हर दो दिन को छोड़ के ही, मतलब कि हर समय जा रहे हैं, लेकिन वहाँ चेयरमैन के द्वारा बोला जा रहा है, जेएसएससी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये जो लेट हो रहा है ये TCS के वजह से लेट हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि TCS इतनी रिपोर्टेड कंपनी है, वो रेलवे का करोड़ों बच्चा का एग्ज़ाम लेती है, लेकिन वो रिवाइज आंसर की वो दो तीन दिन विद इन, मतलब लगभग एक वीक चार पाँच दिन में कंप्लीट कर देती है, लेकिन हम लोग का में इतना क्यों मतलब कि लेट हो रहा है। और साथ ही मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि TCS तो लेट करेगी, वो पूरे भारतवर्ष में सभी एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाने का वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है। हाँ, तो ये हम लोग इस रवैये से बहुत तंग आ चुके हैं JSSC और TCS का इस रवैये से, और मैं मीडिया के माध्यम से ये रखना चाहता हूँ कि हम लोग का किसी भी तरह हम लोग का रिजल्ट दिसंबर तक जारी करें, और रिवाइज आंसर की भी एक सप्ताह के भीतर जारी करें। और ये भी हम बोलना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि बोलना चाहते हैं कि जितने भी TCS के जितने भी, यदि मतलब कि आंसर की नहीं जारी करती है तो TCS के शायद ये TCS भूल गई है कि उसका जन्म भी, टाटा का जन्म जमशेदपुर में हुआ है, तो यदि वो जारी नहीं करती है तो TCS आयोन के जितने भी केंद्र हैं वहाँ हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे, मतलब कि करेंगे, अपना दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत लेट कर रही है। इसीलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम कुमार बर्णवाल है, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, और मैं मीडिया के माध्यम से सभी जेई के विद्यार्थियों को एक मतलब शायरी भी बोलते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो हम लोग यदि ठानेंगे नहीं तब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा, और ये विनम्र विनती है TCS और JSSC से कि वो हम लोग छात्रों पर ध्यान दे, नहीं तो हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ेगा उनके सेंटर के बाहर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।